आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की लागत वाली 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी का ऐलान किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ अभिनंदन इंटर कॉलेज में आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन समारोह में हिस्सा लिए थे, जहां उन्होंने सफाई मित्रों हेतु ई सेवा पोर्टल 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ किया। सीतापुर के नैमिषारण थाना क्षेत्र में एक बाघ भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस में घुस गया, जहां बाघ के फार्म हाउस में होने की जानकारी होते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोग अपने अपने घरों में घुस गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग के अधिकारी फार्म हाउस पहुंचे। फिलहाल बाघ अभी बीजेपी नेता मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस के आसपास है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता के फार्म हाउस में बाघ घुस गया, जहां पर लोग डर के मारे अपने घर में चले गए हैं। बता दें कि ये बड़ी घटना सामने आई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने यूपी में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ के प्रेस क्लब में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में औद्योगिक निवेश और लाभ बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कौशल किशोर ने नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम में पत्रकारों से सहयोग भी मांगा है। उन्होंने कहा कि नशे की साजिश युवाओं को घेरे हुए है, नौजवानों को नशे में ढकेला जा रहा है। नशा विवेक, रिश्ते व भावनाओं को खत्म कर देता है। नशा मुक्त समाज के लिए एकजुट होगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के कौशल किशोर जी मौजूद हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मौजूद थे। सर, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उद्देश्य था? औद्योगिक निवेश में उत्तर प्रदेश का लाभ विषय पे एक कार्यक्रम था पत्रकार बंधुओं का, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और एक जिला एक उत्पाद के तहत तो काम कर ही रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए भी उत्तर प्रदेश अगली भूमिका निभाने का काम कर रहा है। योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी का जो विजन है उस पर काम करने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है, और इस पर आज आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो उसको लेकर क्या विजन है 2024 में? क्या मिशन 40 भारतीय जनता पार्टी अजीब करेगी वहाँ? देखिए, जो मोदी जी का विजन है उस विजन को कोई नकार नहीं सकता। जानबूझकर कोई नकारे अलग बात है, लेकिन मोदी जी का विजन विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। अब अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो ये उनकी, नीतीश जी की अपनी सोच के आधार पे है, और उनकी सोच जो है के बार बार इधर उधर बदलती रहती है। अगर वहाँ जो भी परिवर्तन होगा उन्हीं की वजह से होगा, और बिहार में भी हम सभी की सभी सीटें एनडीए जीतने का काम करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो क्या विपक्षी कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या एजेंडा यही है या कुछ और करेंगे? हमारा एजेंडा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने का है, और उसी एजेंडे पे जिस पे काम किया है उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। राम मंदिर का जो मामला है वो तो प्राण प्रतिष्ठा का मामला था, राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो उस इशू को लेकर के हम जनता में नहीं जा रहे हैं, वो गलत बात कर रहा है विपक्ष। विपक्ष ही लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आज का भारत कैसा भारत बन गया है, विपक्ष इसको हजम नहीं कर पा रहा कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन क्यों है, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज क्यों है, दसियों करोड़ किसानों के खाते में पैसा क्यों जा रहा है, 4 करोड़ लोगों को आवास क्यों मिले, या
दसियों करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे क्यों दे दिए। इन चीज़ों से विपक्ष परेशान है, जिसकी वजह से वो विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन हम एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जन जन के द्वार तक के जाने का काम कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे। सर, आखिरी सवाल कि अभी राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन में बिल्कुल फूट पड़ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या ये गठबंधन 2024 में कारगर साबित होगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, अब वो देखिए, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, सब उसमें प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और सबके अपने अपने मन की अंदर की भावनाएं निकल करके बाहर आ रही हैं। उनकी विचारधारा देश के विकास की नहीं है, मोदी हटाओ विचारधारा है। तो जब मोदी से नफरत करने वाले लोग एकजुट होंगे, पंजे के बल पर बहुत देर तक के खड़े होकर के अपनी हाइट नहीं दिखा सकते, एड़ी को ज़मीन पर लगाना पड़ेगा। और जब एड़ी को ज़मीन पर लगाते हैं तो अपने आप वो छितर जाते हैं, और इसीलिए जो इंडी गठबंधन है उसमें टूटन पैदा हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर जी। इनका कहना है कि इंडी गठबंधन खत्म हो रही है और बिहार में नीतीश सरकार बीजेपी सरकार के साथ मिलकर सत्ता में आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। नगर पंचायत में RRR सेंटर की शुरुआत की गई, जहां घरों से निकलने वाले बेकार वस्तुओं को रिड्यूस, रिव्यू व रिसाइकिल किया जाएगा। रविवार को विधायक राजेश त्रिपाठी ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सरकार की यह पहल काफी सराहनीय है। RRR सेंटर में लोग पुराने या बेकार कपड़े, बर्तन, जूता, खिलौना आदि जैसे चीजें दे जाते हैं और जरूरतमंद लोग यहां से अपने प्रयोग की चीजें ले जाते हैं। बता दें, उद्घाटन से पहले ही RRR सेंटर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पुराने कपड़े यहां दिए थे, जिसको विधायक राजेश त्रिपाठी की मौजूदगी में रविवार को जरूरतमंदों में बांटा गया। खबर लखनऊ से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद LDA की टीम भारी पुलिस बल और तहसील मजिस्ट्रेट के साथ कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 का सर्वे करने पहुंची। गौरतलब है कि अकबर नगर में बनी अवैध कॉलोनी को LDA द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाना है, लेकिन हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक घर में सो रहे 5 लोगों की जलकर मौत हो गई, जहां घटना की सूचना पाकर मौके पर SSP, SP, देहात, CO समेत थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, और मृतकों में दंपत्ति और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि जहां पर एक घर में आग लग गई, वहीं मासूम बच्चे जलकर राख हो गए, साथ ही उनके माँ बाप भी उसमें जल गए। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जताया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मृतकों में दंपत्ति और उनके 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लखनऊ में बाराबंकी के हैदरगढ़ में सीमेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और व्यापारी का शव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वे अंडर पास के पास देर रात पाया गया, जहां पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने व्यापारी के साथ के 2 पार्टनर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और जांच में पता चला, पूरे कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए व्यापारी के पार्टनर ने ही तमंचे से गोली मारकर हत्या की थी। फिलहाल SP ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज के लिए मोर्चरी में रखवाया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के JK चौराहे पर लोगों ने एक बैटरी चोर को पकड़ा
और उसके हाथ पैर बांधकर पूछताछ की। इस दौरान उसने कई चोरियां कबूली, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। लखीमपुर खीरी में बोलेरो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दो पत्रकारों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया। बताया जा रहा है कि सभी नेपाल से वापस आ रहे थे और लखीमपुर बहराइच बॉर्डर पर महीपुरवा के पास दुर्घटना देखने को मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ कानपुर हाईवे पर एथनॉल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे एथनॉल हाईवे पर फैल गया। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी और सीएफओ ने पूरे इलाके की लाइट और हाईटेंशन लाइन को बंद कराया। बताया जा रहा है कि लखनऊ कानपुर हाईवे पर एथनॉल फैलने की वजह से इलाके में बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। वहीं सरोजनी नगर समेत दो फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियाँ और फायर फाइटर ने मोर्चा संभाल कर एक लेन को बंद कर दमकल की गाड़ियां लगाकर हाईवे को धुला गया। अगर आप नेचर और पक्षियों से प्यार करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यूपी सरकार आगामी 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर वेटलैंड में भी आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का प्राकृतिक और पक्षी प्रेमी लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर वेटलैंड निवासी और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं सूरजपुर वेटलैंड आपको वो सभी सुविधाएं देने वाला है, जिससे आपका आनंद कई गुना बढ़ने वाला है। यहाँ आयोजित होने वाले नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल 2024 में कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। गाइड के साथ वर्ल्ड वाइल्ड टूर, इंटरएक्टिव कार्यशाला, नेचर वॉक एंड ट्रेल्स, बच्चों का कोना और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस फेस्टिवल में शामिल हैं। में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये कार्यक्रम 31 जनवरी को प्लान्ड है और इसी जगह पे सूरजपुर में जहां हम लोग खड़े हैं, और एक बहुत ही अच्छा नेचुरल हैबिटेट आपको दिख रहा है। अभी मैं विजिट कर रहा था, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, 100 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पे आ चुकी हैं और बहुत सारे नेचर लवर्स अभी से उनको कैप्चर करने लगे हैं। तो बस इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए, और कैसे हम नेचर को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग पक्षी महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम लोग इसको 27 तारीख से प्रारंभ कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रारंभ होता हुआ ये 31 तारीख को हमारे यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर वेटलैंड में आयोजित किया जाएगा। सर, ये बच्चों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? बच्चों के लिए यहाँ हम लोगों ने एक मीटिंग हॉल रखा है, जिसमें जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते हैं उनको विजुअल्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है और इनका फील्ड विजिट कराया जाता है। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।